But they try to provide in it what a real house demands. Poetry gives us the picture of the perfect of a perfect house. पोइट्री जो है वो हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। विदाउट पोइट्री हमारा ये इमेजिनेशन वर्क ही नहीं करेगा। इमेजिनेशन वर्क नहीं करेगा तो हम प्रैक्टिकल परसीडिंग की तरफ जा ही नहीं सकते। वी कांट गो टुवर्ड परफेक्शन। परफेक्शन लाइज इन आइडियाज एंड आइडिया इमेजिनेशन इज नॉट सो इनफीरियर। इमेजिनेशन और आइडिया इज नॉट सो इनफीरियर एंड मीन एज फिलोसफर्स and scientists, they are attacking over idea and imagination. Without idea and imagination, duniya ki koi concrete cheez ban hi nahi sakti. Idea or imagination hai, this is the origin of every formation. Ye har formation ka origin hai. Uske baad, usne likha, 143 page ki first paragraph ke upar, poetry builds us our world of aspirations. Poetry हमारी एक aspiring world बनाती है, यानी जिधर को हमने जाना होता है, जो हमारे ख्यालों की guiding world हो, एक जो aspirants होते हैं, उनके mind में एक vision होता है, वो plan करते हैं और vision को achieve करते हैं। We live in a world which is given to us, जो हमें दुनिया दी गई है ना, ये दुनिया है chaotic world. और क्योटिक वर्ल्ड में कुछ भी स्टैगनेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा सूथिंग, कंसोलिंग, रेडीमेड, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस वर्ल्ड क्योटिक वर्ल्ड में. ऑल दैट यू मस्ट हैव टू मेक दिस सो अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड अकॉर्डिंग टू योर विजन आपको बनाना पड़ेगा इसको. तो उसको बनाने के लिए आपको अपने आइडियाज में, अपने इमेजिनेशन में पहले वर्क करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीडिंग करना पड़ेगी. गॉट इट? उसके बाद है, कुछ लोगों ने पोइट्री के बारे में प्रोपोगंडा किया, उनके ऊपर अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है, द प्रोपोगंडिस्ट वांट्स पोइट्री टू बी प्रैक्टिकल. वो कहते हैं कि पोइट्री को प्रैक्टिकल बनाओ, हालांकि पोइट्री ऑलरेडी प्रैक्टिकल है. एक बाल की पोइट्री ने सोई को उनको जगाया, प्रैक्टिकल है. बहुत से शुक्याना पोइट्स ने लोगों को प्रीच किया और उनको राही रास्त पे लेके आए, तो ये पोइट्री का फंक्शन है. पोइट्री के फंक्शन के अंदर फिलोसफी भी पाई जाती है. पोइट्री के फंक्शन के अंदर सबसे बड़ी एक कीमती ऐसा आइडिया पाया जाता है. एक सबसे जबरदस्त एक जो मूवमेंट है इमेजिनेशन की, वो पोइट्री के अंदर जबरदस्त तरीके से पाई जाती है. पोइट्री लीड्स अस toward positivity. Only one kind of poetry you may say that it's wrong, but all kinds of poetry is not wrong. Tears showed in the ode to a nightingale. The man passes through the magic kiss man of poetry to the fiery lands. अगर हम Keats की poetry की बात करें, उसने negative capability के through बड़ी बड़ी टफ कॉम्प्लेक्सिटीज को, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को उसने इतने में सॉल्व किया है. ये उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी का मफहूम है कि बड़ी बड़ी रिडल्स को, अनसर्टेनिटीज को और डाउट्स ऑफ माइंड को सॉल्व करना विदाउट एनी इरिटेशनल माइंड, विदाउट एनी इरिटेशन यू आर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, द अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स ऑफ द वर्ल्ड सो इजीली. दिस इज पॉसिबल इन पोएट्री ओनली. अदरवाइज आपको बड़े बड़े फिलोसफी, बड़े बड़े फिलोसफर की फिलोसफी आपको पढ़ना पड़ती है. देन यू आर एबल टू सॉल्व द रिडल्स ऑफ लाइफ, यू आर एबल टू सॉल्व द सर्टेनिटीज ऑफ लाइफ. बट पोएट्री हैज द पावर, पोएट्री हैज द कैपेबिलिटी टू सॉल्व ऑल सच रिडल्स विदाउट एनी इरिटेशनल माइंड. दिस इज नेगेटिव कैपेबिलिटी. पोइट्री के अंदर इतनी बड़ी फिलोसफी उसने खोल के रख दी, ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी इज, दिस इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ सिंपल मैन व्हाट ही वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन. फाइंडिंग ऑफ द टॉपिक, पोइट्री हैज इट्स यूटिलिटी इन आवर लाइफ. पोइट्री आर्ट्स
Poetry answers our questions, which are like phrases. Poetry is not between. Poetry starts from your imagination and from your ideal world. It starts from your idea and imagination. Idea and imagination is not so inferior. The whole formation of the world starts from idea. So poetry is not impractical. Poetry has its utilitarian function in our life. That's all.